बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी देखें, इंग्रेडिएंट्स कट के रेडी हैं पकने के लिए। आज हम बना रहे हैं आलू मोगरे। ये एक पाव मोगरे हैं, एक पाव आलू लिए हैं, दो टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, 3 हरी मिर्च को कट लगा के रख दिया है, प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के, और ये लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टी स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टी स्पून बल्कि 1.5 टी स्पून नमक है, और 1 टी स्पून पिसा धनिया है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी स्पाइस ले सकते हैं। आलू मोगरे बना रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। सो गाइस, मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। चलें जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, रेसिपी अपनी प्रिपेयर करते हैं। हाफ कप ऑयल मैंने रख दिया है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज फ्राई कर लेंगे। हमने प्याज डाल दिए हैं, ठीक है, इनके फ्राई होने का इंतज़ार करते हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारी माएँ ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को मोगरे पसंद नहीं है, ये स्पेशली वो माएँ ज़रूर ये ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं, मैं आपको मोगरों के बारे में थोड़ा बता दूं कि मोगरे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी हम इनटेक इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का इशू हो रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक टाइम मोगरे खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से क्लीन अप हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आपके डाइजेस्ट होता है, फाइबर्स से भरपूर है, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इनमें आयरन भी होता है। अच्छा, इनको कट करना बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कट करके बॉईल करके भी बना सकते हैं, आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसकी सिर्फ सर से और थोड़ा सा लास्ट पीस इसका कट करना होता है, उसके बाद उसको आप अच्छे तरीके से वाश आउट करके इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल चूर वो मिक्सचर नहीं बनाना है, चॉप किया हुआ जैसे इसको पीस के भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोगरों को चिकन के साथ भी बना सकते हैं, कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटर मोगरे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की ये मोगरे इनकी डिशेस होती हैं, आप किसी भी गोश्त के साथ भी इसको बना सकते हैं। हाँ देखिए जी फ्रेंड्स, मेरे प्याज जो है काफ़ी लाइट लाइट बड़े प्यारे से गोल्डन ब्राउन हो गए, हमें डार्क नहीं करने, बस लाइट लाइट से ही इनको रखना है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको हम 10-15 सेकेंड में फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही सारे स्पाइस ऐड कर देंगे। फ़र्स्ट टाइम मैं कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा मैं एज ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर वर्क कर रही हूँ, बट मुझे सबने कहा कि मुझे इस पर भी वर्क करना चाहिए, सिर्फ एक ही फील्ड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सो मेरी पहली काविश है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर दें, ये भी कुछ मिस्टेक्स हो लेकिन वक्त के साथ साथ मैं उनको भी रिकवर करने की कोशिश करूँगी, मुझे आपकी भरपूर सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा सर्कल मुझे बताए, मेरे फ्रेंड्स मुझे बताएं कि वो क्या चाहते हैं, मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब हम ये हमारे टमाटर थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, हम इस मसाले को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। किसी भी डिश खाने को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो होता है वो भुनाई का होता है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना अच्छा आपका टेस्ट होगा सालन का। सो अब हम इसकी भुनाई करते हैं, तकरीबन 5 मिनट मस्ट भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, तो आप इसमें हल्का सा पानी जैसे 1-2 घूंट या 1-2 टेबल स्पून पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। सो भुनाई करके हम वापस आते हैं। देखें फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे मसाले की भुनाई हो गई है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है।
कहते हैं ना, जब आपके मसाले की खुशबू बाहर तक चली जाए तो समझ जाएँ कि आपका मसाले की बुनाई डन हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम मोगरे ऐड कर देंगे। और इनके साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे। आलू देखें, आलू कट आपने इस तरीके से करने हैं, लंबे लंबे लंबाई में कट करने हैं। ठीक है, चलिए जी अब इसकी भुनाई करते हैं थोड़ी देर। देखें जी, बड़े मज़े की देसी देसी हमारी डिश, देसी डिश है। आजकल के बच्चे भी, यंग जनरेशन भी ज़्यादातर चाइनीज़ लवर्स हैं और चाइनीज़ ही वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं। मटर उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, गाजर वो ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो मोगरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसकी कटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को इसकी कटिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल लगता है, बट ये अगर आप हाथ से इसको कटिंग करेंगे ना, इसको जैसे इसकी हेड और टेल जो होती है मोगरों की, उनको हाथ से कट करके वो आपको जल्दी वर्क हो जाएगा उस तरीके से, बनिस्बत इसके कि आप उसको छुरी से कट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको अब हम हल्की आँच पर दम पर गला लेंगे। बिल्कुल ये इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल में जैसे कोई भी वेजिटेबल हम बनाते हैं उसको दम पे हम गला लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे दम पे ही, हमारे आलू भी गल जाएंगे और साथ साथ मोगरे भी। तो रेडी करके फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ, ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अब आप तंदूरी रोटी के साथ इसको पेश करें, घर की चपाती के साथ पेश करें, बहुत ही मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। आप सब ने बना के ज़रूर मुझसे शेयर करनी है, मुझे बताना है कमेंट में कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।